नमस्कार दोस्तों मैं समीर डिजिटल पावर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं बहुत से सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि हम अपना मार्कशीट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है और हम अपना कॉन्सुलेटेड मार्कशीट जो यानी जो अगर सेमेस्टर है तो चार सेमेस्टर का मार्कशीट कैसे एक में डाउनलोड करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे या आपका सेकेंड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का मार्कशीट एक साथ कैसे डाउनलोड करें सभी हम आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करके दिखाएंगे और प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे जो आपको दिक्कत होगी सभी दिक्कत का हम सामना करेंगे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि मार्कशीट डाउनलोड कैसे करें तो उस वीडियो में सबसे ज़्यादा लगभग सात से आठ सौ तक कमेंट आए हैं उस वीडियो में तो मैंने सोचा कि भाई मेरे लगता है कि बनाना पड़ेगा वीडियो क्योंकि सबको जवाब देना मुश्किल हो गया था इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया तो मैं आपको अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पर मिल जाएगा क्लिक करके आप देख लीजिएगा हम आपको बताते हैं डाउनलोड करने का प्रोसेस जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना मार्कशीट डाउनलोड करके रखा हुआ है यानी कॉन्सुलेटेड मार्कशीट जो यहाँ आप देखते हैं चारों सेमेस्टर का जो मार्कशीट होता है वो मार्क्शीट मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है देखते हैं मैंने चार सेमेस्टर दिए थे चार सेमेस्टर का मार्क्सीट उसी के साथ मैंने अपना सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है जो आपको एग्जामिनेशन पास करने के बाद सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है वो वाला इसको आप कैसे ले सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या क्या प्रोसेस अपनाया हुआ है क्योंकि बहुत से दोस्तों का यही कमेंट आ रहा था कि लॉगिंग हो नहीं हो रहा है तो कैसे लॉग करेंगे वो आप दिखेगा सबसे पहले आपको टाइप कर देना है एन और सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे फर्स्ट में ही लिंक मिल जाएगा एन सी बी का इस पर क्लिक करेंगे अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग इस पर आप देखेंगे क्लिक कीजिएगा तो मिलेगा ट्रेनिंग प्रोफाइल का ऑप्शन बस ट्रेनिंग प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है यहाँ पे फादर्स नेम या गार्जियंस नेम यहाँ पे अपना जन्मतिथि डालेंगे और जो कैप्चा दिया हुआ है जैसे यानी दो तीन आठ आठ पाँच तो आपको यहीं भरना है बीच में स्पेस आपको नहीं देना है लगातार आपको फिल कर देना है ठीक है उसके बाद आपको मिलेगा नीचे सबमिट का ऑप्शन सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा हाँ एक बात ध्यान रखिएगा आपका जो मार्कशीट है उस मार्कशीट पर जो रोल नंबर होगा आपका या आपका जो रोल नंबर है उससे डबल जीरो पहले जो डबल जीरो है उस डबल ज़ीरो को हटा के डबल ज़ीरो को आपको ब्रेक कर देना और उसकी जगह आप आर लगा देंगे तो ये जो होगा वो आपका एर, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा जैसा मैं यहाँ पे आर लगा देता हूँ तो इसी तरह आपको फिल भी कर लेना है सभी डिटेल्स सबमिट पे क्लिक कीजिएगा लॉगिन करने के बाद आप आ, आपका सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपका सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका जो भी मार्कशीट होगा आप अगर सेमेस्टर वाइज दिए हैं तो सेमेस्टर के अनुसार नहीं तो ईयर वाइज आप दिए हैं तो आपको ईयर अनुसार आपको मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका मार्कशीट तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए रेडी हो चुका है और यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है मैं इसको ओपन करके आपको देता हूँ कि आपका मार्कशीट जो है वो तो डाउनलोड होने के बाद किस तरह से दिखेगा ये देख सकते हैं ईयरली मैंने मार्कशीट डाउनलोड किया यानी सेमेस्टर का एक सेमेस्टर का मार्कशीट डाउनलोड किया है अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना जो कंसुलेटेड सर्टिफिकेट यानी जो चारों सेमेस्टर का एक साथ तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई यहां पे आपको मिल जाएगा प्रिंट कंसुलेटेड मार्कशीट का ऑप्शन यहां पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगा मैंने ऑलरेडी एक बार डाउनलोड कर रखा था फिर भी मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड करूँगा उसके बाद इसको पी डी पे क्लिक करके मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो चारों सेमेस्टर का मार्कशीट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे यही आ रहा है कि जो चारों सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो हम कैसे एक साथ डाउनलोड करें यानी जिसको कौंसुलेटेड मार्कशीट भी बोलते हैं वो हम डाउनलोड कैसे करें तो यहाँ पर मैंने आप कौनसुलेटेड मार्कशीट डाउनलोड करने का भी तरीका बता दिया है आगे बढ़ते हैं अब यहीं पे आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट का तो प्रिंट सर्टिफिकेट पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा मैंने इसको भी डाउनलोड कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने शुरू में भी आपको दिखा दिया था जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है तो अपना सर्टिफिकेट भी आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अब इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका मार्कशीट है डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है तो उसको पहले मांगेगा एक्सेप्ट करने के लिए तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे ओ मैंने पिछले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने बताया है आई बटन पर सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा उस पर आप जो आपका प्रॉब्लम होगा कहीं तो वहाँ से देख के आप अपना प्रॉब्लम को उसको उसका सॉल्यूशन आप देख के उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया सभी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि आप अपना मार्कशीट हॉल टिकट या अपना सर्टिफिकेट या अपना कॉन्सुलेटर मार्कशीट कैसे आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से ही आपको डाउनलोड का तरीका बता रहा हूँ तो अपडेट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा चैनल पे पहली बार विजिट किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम